अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ विंडोज़, के विंडोज़ में क्या क्या फीचर्स होते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हेल्प अस टू यूज़ द कंप्यूटर, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में मदद करता है। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन अस एंड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर, ये रابطे का ज़रिया बनता है हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान। वी सिंपली क्लिक, डबल क्लिक और प्रेस एंटर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट अ प्रोग्राम, हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं या खाली एंटर बटन प्रेस करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। ओपन अ फाइल और फोल्डर, सेव अवर वर्क इजी, कोई फाइल खोलनी हो, कोई फोल्डर खोलना हो, अपना काम सेव करना हो। सिमिलरली द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द हार्डवेयर एंड लेट अस ऐड और रिमूव हार्डवेयर एज वेल एज चेंज देयर सेटिंग, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर को मैनेज करता है, ऐड करवाता है, रिमूव करवा देता है और हमें हार्डवेयर की सेटिंग चेंज करने में मदद देता है। द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अस टू चेंज द सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर थ्रू द सेटिंग ऑप्शन इन द स्टार्ट मेनू, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये अलाउ करता है कि हम स्टार्ट मेनू में सेटिंग्स में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स को चेंज कर सकें। याद रखने की क्या बात है इसमें, नेवर मेक अननेसेसरी चेंज इन द सेटिंग ऑफ योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर की सेटिंग में गैर जरूरी चेंजेस मत कीजिए। इफ़ रिक्वायर्ड डू इट इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर और समवन हु हैज़ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप किसी की मौजूदगी में कीजिए, किसी बड़े की मौजूदगी में या अपने टीचर की मौजूदगी में, जैसे कंप्यूटर आता हो। कंट्रोल पैनल, देखिए कंट्रोल पैनल जब हम खोलते हैं तो इस तरह का विंडो बना हुआ आता है हमारे पास, ये विंडो 98 और विंडो XP में इस तरह से आता था, अब हम विंडो 7 और विंडो 8 यूज़ करते हैं उसमें दूसरे तरीके से आता है, इस तरीके से नहीं आता मगर आता है, ये सारे काम उसमें भी होते हैं, बस इनका अपीरियंस थोड़ा चेंज होता है, तस्वीर थोड़ी चेंज होती है। कंट्रोल पैनल इज़ अ इम्पॉर्टेंट फीचर इन द सेटिंग मेन्यू, कंट्रोल पैनल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इट हैज़ आइकन्स, इसके अंदर आइकन्स होते हैं, इंस्टॉल एड और इंस्टॉल एंड रिमूव द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज वेल एज मॉडिफाई देयर सेटिंग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, उनकी सेटिंग को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई मतलब चेंज, एज शोन इन फिगर, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है तमाम फंक्शंस आप इसमें से कर सकते हैं, माउस है, कीबोर्ड है, डिस्प्ले है, फोल्डर ऑप्शन है, इन तमाम चीज़ों की सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज डिस्प्ले सेटिंग, डेट, टाइम, पासवर्ड, etc बाय द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, आप इसमें से डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, आपका बैकग्राउंड वगैरह, टाइम और डेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं डिफरेंट हिदायत पर अमल करते हुए। अब आपके पास आता है डिस्प्ले, सबसे पहले हम डिस्प्ले के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डबल क्लिक द डिस्प्ले आइकन, डिस्प्ले आइकन पर डबल क्लिक करें कंट्रोल पैनल में, ये आपका डिस्प्ले आइकन, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ होता है डिस्प्ले, ये रहा डिस्प्ले, ठीक है, ये वाला जो है ये डिस्प्ले है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से विंडो खुल जाएगी, अगर आपकी कंप्यूटर में ऐसी नहीं खुलेगी तो दूसरे तरीके से खुलेगी ज़रूर। डबल क्लिक, क्लिकिंग द डिस्प्ले आइकन, अ विंडो टाइटल डिस्प्ले प्रॉपर्टीज हैविंग ऑप्शंस ऑफ चेंजिंग द डिस्प्ले सेटिंग, इससे डिस्प्ले प्रॉपर्टी का जो है पेज खुल जाता है एक विंडो, जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं डिस्प्ले सेटिंग चेंज करने के लिए, इन दैज थीम, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस एंड सेटिंग टैब, इसके अंदर थीम, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, अपीरियंस और सेटिंग के डिफरेंट टैब्स हैं, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो दूसरी अलग से विंडो खुल जाती है, इसके अंदर ईच टैब व्हेन क्लिक डिस्प्ले और रिलेशन ऑप्शन रिलेटेड ऑप्शन, हर टैब के अंदर डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। द डेस्कटॉप टैब अलाउ यू, डेस्कटॉप टैब पर आप क्लिक करते हैं तो वो अलाउ करता है टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द विंडो डेस्कटॉप, इसमें से आप अपने विंडो का डेस्कटॉप का विंडो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड कह रहे हैं वो पिक्चर और पैटर्न कॉल वॉलपेपर, यहाँ आप कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं, कोई पैटर्न लगा सकते हैं, वॉलपेपर कहलाता है। क्लिकिंग द बैकग्राउंड टैब शो अ लिस्ट ऑफ वॉलपेपर, जब हम यहाँ क्लिक करते हैं आपको इस तरह से वॉलपेपर की लिस्ट नज़र आती है, सिलेक्ट अ वॉलपेपर फ्रॉम द लिस्ट, सी इट इन द प्रीव्यू, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और प्रीव्यू पे आप क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको प्रीव्यू में ला सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आने लगेगा। क्लिक द अप्लाई बटन टू इम्प्लीमेंट द सेटिंग, अप्लाई बटन पर आप क्लिक करेंगे सेटिंग इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, क्लिक ओके एंड चेक द रिजल्ट, ओके कर देंगे तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। बाय क्लिकिंग स्क्रीन सेवर टैब, जब आप स्क्रीन सेवर टैब पे क्लिक करते हैं तो आप कोई कॉन्फ़िगरेशन नज़र आती है स्क्रीन सेवर की ऑफ मॉनिटर के ऊपर, द स्क्रीन सेवर विल अपीयर व्हेन देयर इज़ नो एक्शन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, जब आप काफ़ी टाइम तक अपने कंप्यूटर पर कोई काम नहीं करते तो उस पर स्क्रीन सेवर आने लगता है। यू कैन प्रीव्यू ऑल द स्क्रीन सेवर वन बाय वन एंड सेलेक्ट द वन यू लाइक, आप तमाम स्क्रीन सेवर को वन बाय वन चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन के अंदर से डिफरेंट, यहाँ पर आप टाइम डालते हैं, यू कैन सेट द टाइम बाई यूजिंग द एरो अगेंस्ट द वेट, वेट के ऊपर जो यहाँ पे टाइम आ रहा है इसमें आप डिफरेंट टाइम डाल सकते हैं कि कितने टाइम बाद ये स्टार्ट होगा, तो जितने टाइम यहाँ पे आप लिखते हैं उतने टाइम कंप्यूटर वेट करता है, अगर कोई काम नहीं होता तो वो स्क्रीन सेवर स्टार्ट कर देता है। यूजिंग अपीरियंस टैब, अपीरियंस टैब में क्या होता है, ये अपीरियंस है, जैसे ब्लू कलर का आ रहा है इसको रेड भी कर सकते हैं, जो इसके ऊपर ब्लू कलर आ रहा है
ये इसकी अपीरियंस कराती है, इसकी लाइंस के कलर चेंज हो जाते हैं। अब अपीरियंस में यू कैन चेंज द अपीरियंस ऑफ डेस्कटॉप प्रोग्राम विंडो डॉक्यूमेंट विंडो एंड डायलॉग बॉक्स। हमें सबकी विंडोज तमाम विंडोज की जो है अपीरियंस चेंज कर सकते हैं। क्लिक द एरो अंडर द कलर स्क्रीन, अब कलर स्क्रीन पर जाके डिफरेंट कलर स्क्रीन ले सकते हैं, फॉन्ट साइज ले सकते हैं, अब बटन दे सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट डेस्कटॉप अंडर आइटम सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर क्लिक अप्लाई आफ्टर सेटिंग और ऑप्शन। जब आप चूज कर लेते हैं फिर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा और आपकी सेटिंग चेंज हो चुकी होंगी। सेटिंग टैब प्रोवाइड अ व्यूइंग एंड डिस्प्ले चेंजिंग डिस्प्ले। सेटिंग टैब में आप व्यू और चेंजिंग डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। लाइक लुक लाइक कलर क्वालिटी एंड स्क्रीन एरिया और कलर क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। क्लिकिंग एडवांस अलाउ यू टू इंस्टॉल अ न्यू मॉनिटर और रिमूव एन एग्जिस्टिंग वन। एडवांस पे क्लिक करके आप नया मॉनिटर इंस्टॉल कर सकते हैं, पुराना जो है वो डिलीट कर सकते हैं इसमें से। यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल अ न्यू डिस्प्ले अडॉप्टर और रिमूव इट। आप एक नया डिस्प्ले अडॉप्टर भी लगा सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। व्हाइल इंस्टॉलिंग अ न्यू डिस्प्ले अडॉप्टर और मॉनिटर यू रिक्वायर अ डिवाइस ड्राइवर विच कंटेन इंपॉर्टेंट फाइल। आपको डिवाइस ड्राइवर भी चाहिए होता है, जब भी हम कोई नई डिवाइस अटैच करते हैं हार्डवेयर उसकी सीडी भी लगाते हैं, उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं ताकि वो उस पर काम कर सके। जो विंडो को चाहिए होता है कवर कराने के लिए तो ड्राइवर ज़रूरी होता है। कीबोर्ड के आइकन पर आप क्लिक करेंगे इसी में से। यहाँ पे आपके कीबोर्ड की भी सेटिंग दी गई, देखें हर चीज़ की सेटिंग होती है यहाँ पे, कीबोर्ड की भी सेटिंग होगी। ये रहा कीबोर्ड, ठीक है। ये देखें ये कीबोर्ड की तस्वीर बनी हुई है, यहाँ आप इस पर क्लिक कर सकते हैं तो आपका इस तरह का कीबोर्ड का ऑप्शन खुल जाएगा। ये आपकी कीबोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का इस तरह से विंडो ओपन होती है, विंडो 98 और विंडो एक्सपी में। अभी विंडो 7 में ऐसे नहीं होती, थोड़ी डिफरेंट होती है। कीबोर्ड आइकन इन द कंट्रोल पैनल अलाउ यू टू मॉडिफाई स्पीड एंड लैंग्वेज सेटिंग ऑफ द कीबोर्ड। आप स्पीड भी चेंज कर सकते हैं नंबर टाइप करने की और लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट लैंग्वेज सेटिंग इन इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, अभी जो लैंग्वेज सेट हुई थी वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेट हुई हुई है। आप दूसरी लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं इसके अंदर। स्पीड रिलेटेड सेटिंग ऑफ कीबोर्ड लाइक कीबोर्ड कर्सर ब्लिंकिंग रेट, उसके कर्सर के ब्लिंक करने का रेट, जो लाइन आ रही होती है ब्लिंक कर रही होती है, एंड द करेक्टर रिपीट डिले एंड द रेट कैन ऑल्सो भी चेंज। करेक्टर रिपीट करने का डिले एक के बाद एक आने का और जो इसके डिफरेंट रेट है वो चेंज कर सकते हैं। इट्स इफेक्ट कैन बी व्यूड व्हेन द यूजर टाइप एनी लेटर इन द टेक्स्ट बॉक्स। जब हम इसकी सेटिंग चेंज करते हैं तो इसके इफेक्ट हमें डायरेक्टली नज़र नहीं आते कि सेटिंग क्या चेंज हुई है। जब हम टेक्स्ट लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो हमें पता फील होता है कि हमने जो चेंज किए हैं वो किस तरह से नज़र आ रहे हैं, तो हमें चेक करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स की तरफ जाना पड़ता है। इसमें माउस आइकन इन द कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू चेंज द माउस रिलेटेड सेटिंग। जो माउस आइकन है कंट्रोल पैनल में माउस रिलेटेड सेटिंग को चेंज करता है। द बटन टैब हैज द ऑप्शन टू स्वैप द बटन टू हेल्प लेफ्ट एंड यूजर। दिस कैन बी अचीव बाई क्लिकिंग द स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। प्राइमरी बटन से हम डायरेक्ट किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं, सेकेंडरी बटन से सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। ये वाला प्राइमरी होता है और ये वाला सेकेंडरी होता है। हम क्या करते हैं, जो उल्टे हाथ से काम करने वाले होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है इस तरह चलाने में माउस, तो हम इस बार इधर वाले को प्राइमरी कर देते हैं, उधर वाले को सेकेंडरी कर देते हैं, इस तरह से इस पर काम करते हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी बटन क्या होता है, चेंज हो जाते हैं हम। यू कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ डबल क्लिकिंग। आप डबल क्लिकिंग की स्पीड भी चेंज कर सकते हैं किस तरह से, ये आपके पास ऑप्शन, आप स्लो कर सकते हैं कि आपके एक क्लिक के बाद दूसरे क्लिक में गैप आए, वरना क्या होता है आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं दो दफ़ा चीज़ खुल जाती है। डबल क्लिकिंग बहुत तेज़ी से होती है। द पॉइंटर टैब अलाउ यू टू चेंज द शेप ऑफ द पॉइंटर। अब ये जो पॉइंटर टैब है इसमें डिफरेंट तरह के शेप हैं, आप इस तरह टाइम का भी शेप बना सकते हैं कि आपके पास इस तरह एरो बना हुआ आ रहा होता है, आप इनमें से कोई सा भी शेप अपने पॉइंटर का चेंज कर सकते हैं। ये आपको अलाउ करता है कि आप इसका पॉइंटर चेंज कर सकें। आपको याद क्या रखना है, द शेप ऑफ माउस पॉइंटर रिप्रेजेंट पॉइंटर टाइप। ये टाइप को रिप्रेजेंट करता है इसका माउस का शेप जो है। इट कैन डिविट डिफरेंट एक्टिविटीज़, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए चेंज होता है, चेंज विद डिफरेंट एक्टिविटीज़। पॉइंटर मूवमेंट स्पीड इज द स्पीड बाय विच माउस पॉइंटर मूव। अब पॉइंटर मूवमेंट स्पीड की आप स्क्रीन पर ऐसे से मूव करते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, आपको नज़र भी नहीं आता, तो वो तो पॉइंटर मूवमेंट स्पीड बहुत तेज़ होती है। आप उसको स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ अ पॉइंटर। डबल क्लिकिंग स्पीड मीन हाउ क्विक यू आर प्रेसिंग द माउस बटन ट्वाइस। ये कितनी जल्दी दो बार प्रेस होता है, हायर डबल क्लिकिंग द फास्टर यू हैव टू प्रेस द माउस बटन। जितनी हायर स्पीड होगी उतनी फास्टर वो प्रेस होगा। नाउ डू यू नो, अब एक और चीज़ याद आपको पता होनी चाहिए कि आप जानते हैं, यू कैन क्लिक द यूज डिफॉल्ट बटन इन माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स टू चेंज द पॉइंटर टू इट्स ओरिजिनल शेप।
आप डिफॉल्ट बटन दबा के पॉइंटर को उसकी ओरिजिनल शेप और स्पीड पे ले जा सकते हैं, चाहे आप कहीं पे भी पहुंचे हो। डेट एंड टाइम सेक्शन, यू नो दैट, अब ये भी कंट्रोल पैनल में ऑप्शन मौजूद होता है डेट एंड टाइम का। यू नो दैट द लोअर राइट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार ऑफ विंडो डेस्कटॉप डिस्प्ले करंट सिस्टम टाइम, जो आपके ये जो आपका नीचे लोअर टास्क बार होता है, इसके यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो है आपके पास डेट और टाइम डिस्प्ले हो रहा होता है। व्हेन यू प्लेस योर माउस पॉइंटर ओवर द टाइम राइट साइड ऑफ द टास्क बार इज टू डिस्प्ले, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह से डेट और टाइम डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। आप इसे कंट्रोल पैनल से भी खोल सकते हैं। यू कैन मेक चेंज इन द डेट एंड टाइम सेटिंग, यू कैन कॉन्फिग डेट एंड टाइम बाय यूजिंग डेट एंड टाइम आइकन रिप्रेजेंटेड कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन डेट एंड टाइम आइकन अपीयर ओपन डेट एंड टाइम प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, यू कैन यूज़ दिस टू चेंज द डेट। आप यहाँ से डेट चेंज कर, जो ईयर है, जो मंथ है, जो डेट है, आप वो चेंज कर सकते हैं। पहले ईयर सेलेक्ट करें, फिर मंथ और फिर डेट। यू कैन यूज़ दिस टू चेंज द डेट टाइम एंड टाइम जोन सेटिंग, दैट टू चेंज टाइम यूज डाउन अप एरो, अप एंड डाउन एरो से भी टाइम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल टू चेंज आर सेटिंग क्लिक ऑन द आर फील्ड, आर चेंज करना तो आप आर फील्ड पर क्लिक करेंगे, मिनट चेंज करना तो मिनट में, सेकंड करना तो सेकंड में, टाइप भी कर सकते हैं और एरो से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। यू कैन चेंज द डेट बाय सेलेक्टिंग द डे मंथ एंड ईयर, आफ्टर सेलेक्टिंग द डिजायर्ड वैल्यू क्लिक ओके बटन, जब आप सेट कर देंगे तो आप ओके दबा देंगे। डू यू नो कि आप जानते हैं, यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक क्लॉक आइकन ऑन द टास्क बार टू ओपन डेट एंड टाइम प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बताया, आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। ऐड और रिमूव प्रोग्राम, अब आते हैं ऐड और रिमूव प्रोग्राम। ऐड और रिमूव प्रोग्राम आइकन इन द कंट्रोल पैनल, इस तरह से जब आप क्लिक करते हैं इस तरह आपके पास खुल जाते हैं और इसमें ऐड रिमूव दोनों के ऑप्शन आते हैं कि आप इसे रिमूव कर दें या चेंज कर लें, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन बने हुए आते हैं। ऐड और रिमूव प्रोग्राम आइकन इन द कंट्रोल पैनल इज यूज टू इंस्टॉल न्यू प्रोग्राम और अनइंस्टॉल प्रोग्राम नॉट नीडेड और नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं उन प्रोग्राम्स को जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। टू द ऐड और रिमूव प्रोग्राम विंडो अपीयर इट डिस्प्ले ऑल प्रोग्राम डेट आर इंस्टॉल इन कंप्यूटर, ये आपको तमाम प्रोग्राम शो करेगा इस तरीके से जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। फॉर एडिंग और रिमूविंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बिल्ड इन प्रोग्राम क्लिक ऑन एड और रिमूव विंडो कंपोनेंट टैब, जब आपको एड और रिमूव करने पड़ते हैं विंडो बिल्ड इन प्रोग्राम को तो एड और रिमूव विंडो कंपोनेंट टैब पर आपको क्लिक करना होता है। ये रहा विंडो कंट्रोल टैब, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो विंडो के अंदर जो इंस्टॉल हुए हुए बिल्ड इन प्रोग्राम होते हैं उनको भी एड और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। Then choose the component from the display list, program not part of window can be removed using remove button, जो आपके विंडो का पार्ट नहीं है वो आप रिमूव कर सकते हैं, जो पार्ट होंगे उसमें वो एरर देगा, वो रिमूव नहीं करेगा जो नेसेसरी फाइल होंगे। आफ्टर एडिंग और रिमूविंग अ प्रोग्राम यू हैव टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, जब भी आप प्रोग्राम को ऐड करेंगे रिमूव करेंगे आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। डू यू नो कि आप जानते हैं, यू कैन सी लिस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर इन ऐड और रिमूव प्रोग्राम डायलॉग बॉक्स, जितने भी प्रोग्राम आपके प्रोग्राम में कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं सब आपको ऐड और रिमूव प्रोग्राम में नजर आएंगे। You can uninstall, remove any program on the computer from here, और कोई भी प्रोग्राम आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। डू यू नो कि आप जानते हैं, वंस प्रोग्राम आर अनइंस्टॉल, जब एक प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाता है दे कैन नॉट बी यूज अंटिल दे आर इंस्टॉल अगेन, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकते जब तक कि आप उनको दोबारा से इंस्टॉल ना कर लें। यू हैव सो ऑलवेज मेक श्योर अबाउट द प्रोग्राम यू आर गोइंग टू अनइंस्टॉल, आप हमेशा इस बात का इत्मीनान करने के बाद डिलीट करेंगे आपको उस प्रोग्राम की ज़रूरत तो नहीं है। प्रिंटर, क्लिकिंग द प्रिंटर एंड फैक्स आइकन इन द कंट्रोल पैनल, प्रिंटर एंड फैक्स आइकन पर जब आप क्लिक करते हैं ओपन अ विंडो टाइटल पेज एंड फैक्सेस, विंडो टाइटल पेज और फैक्स खोल देता है ये। द विंडो अलाउ यू टू ऐड अ न्यू प्रिंटर, विंडो आपको नया प्रिंटर ऐड करने की सहूलत देता है। रिमूव एन ऑलरेडी इंस्टॉल प्रिंटर, पहले से इंस्टॉल प्रिंटर को आप रिमूव कर सकते हैं और व्यू और मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इंस्टॉल प्रिंटर देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं इंस्टॉल प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ को। यूज़ ऐड अ प्रिंटर आइकॉन इन द विंडो टू ऐड अ न्यू प्रिंटर, आप ऐड प्रिंटर आइकन पर क्लिक करके नया प्रिंटर ऐड करा सकते हैं। आप प्रिंटर कैन बी अ लोकल प्रिंटर, एक प्रिंटर जो है वो एक लोकल प्रिंटर भी हो सकता है, अटैच डायरेक्टली टू योर कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर से डायरेक्ट अटैच हुआ हुआ होता है, और कभी कभी ये एक नेटवर्क प्रिंटर भी हो सकता है जो टू सम अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क, जो दूसरे कंप्यूटर से भी अटैच हो। इन केस ऑफ नेटवर्क प्रिंटर यू शुड नो द नेम ऑफ योर कंप्यूटर ऑफ द कंप्यूटर दैट हैज द प्रिंटर कनेक्टेड टू एंड प्रिंटर नेम, जब आपके पास नेटवर्क प्रिंटर होता है तो आपको कंप्यूटर का नाम भी पता होना चाहिए जिसे प्रिंटर अटैच है, और प्रिंटर का नाम भी पता होना चाहिए। टू सी एंड मॉडिफाई प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रिंटर राइट क्लिक द आइकन ऑन द प्रिंटर, आपको मॉडिफाई करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी पर इसको राइट क्लिक करना होता है, देन क्लिक द प्रॉपर्टी इन अ पॉपअप मेनू, जब आपके पास ऑप्शन आता है उसमें से आप प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, उनमें से आप प्रॉपर्टी पर क्लिक कर सकते हैं। माई नेटवर्क प्लेस
विंडो हैज फीचर टू लेट यू कनेक्ट योर पीसी टू अ लोकल एरिया नेटवर्क. विंडो के अंदर फीचर्स होते हैं कि अब आपके पीसी को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करवा दें, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड पीसी इन अ स्मॉल एरिया. जो बहुत सारे जो पीसी होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं छोटे एरिया के ऊपर, टाइपिकली स्कूल, ऑफिस और बिल्डिंग के अंदर. ये इसके अंदर एक फीचर होता है कि वो लोकल एरिया नेटवर्क पे तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेता है. डबल क्लिकिंग द माई नेटवर्क प्लेस आइकन ऑन द डेस्कटॉप ऑफ अ कंप्यूटर कनेक्ट टू अ नेटवर्क. डबल क्लिक करने से आप नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं. विल शो द नेम ऑफ अदर कंप्यूटर, जो दूसरे कंप्यूटर का नेम दिखाता है. नेटवर्क डिवाइस अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, और दूसरे नेटवर्क की जो अवेलेबल होता है उस नेटवर्क के ऊपर. यू कैन एक्सेस द शेयर फाइल प्रिंटर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फॉर अदर कंप्यूटर. आप फाइल शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी भी शेयर कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर्स के साथ. डबल क्लिकिंग द नेम ऑफ अ कंप्यूटर यू विल शो इट शेयर रिसोर्सेज. और उस कंप्यूटर के नाम पर डबल क्लिक करने के बाद आपको पता लग जाएगा आप दोनों के दरमियान क्या क्या शेयर हुआ है. इन केस योर पीसी इज नॉट कनेक्टेड टू नेटवर्क, यू विल नॉट सी एनी कंप्यूटर. अगर आपका कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क में कनेक्ट नहीं होगा तो आप नहीं देख सकते किसी नेटवर्क को. लॉग इन मीन वेरीफाई आइडेंटिटी बाय मीन ऑफ अ यूजर नेम एंड पासवर्ड. लॉग इन का मीन है कि आप यूजर नेम और पासवर्ड से एक आइडेंटिटी को जो है वेरीफाई करते हैं कि एक बंदा अपने यूजर नेम और पासवर्ड से खुद ही लॉग इन कर सकता है. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ यूजर इज वेरीफाइड. इस प्रोसेस से यूजर वेरीफाइड होता है कि जो कंप्यूटर खोल रहा है ये उसी की फाइल्स हैं या नहीं है. टू बी अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क, वो नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है. एंड अलाउ एक्सेस टू अदर कंप्यूटर, और दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मौजूद होते हैं उनको उनसे एक्सेस कर सकते हैं, उनको पहुँच सकते हैं. व्हेन अ पीसी ऑन अ नेटवर्क इज टर्न ऑन, जैसे पीसी टर्न ऑन होता है द लॉग इन डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन. आपके पास लॉग इन का ऑप्शन आता है. इफ यू क्लिक ऑन कैंसिल यू वुड नॉट बी एबल टू एक्सेस द नेटवर्क. अगर आप इसको कैंसिल कर देते हो तो आप नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते. लॉग इन करके आप किसी नेटवर्क के अंदर एंटर हो सकते हैं. लॉग ऑफ प्रोसेस इज द अपोजिट ऑफ लॉग इन प्रोसेस. लॉग ऑफ लॉग इन का उल्टा होता है. आफ्टर यू फिनिश योर वर्क ऑन नेटवर्क कंप्यूटर यू लॉग ऑफ द फ्रॉम द नेटवर्क. आप अपना काम खत्म करने के बाद कंप्यूटर से लॉग ऑफ कर जाते हैं, जिसे लॉग ऑफ कहते हैं. आप अपना काम फिनिश करने के बाद अपनी आईडी को लॉग ऑफ कर देते हैं. लॉग इन और लॉग ऑफ तो आप अच्छी तरह समझते होंगे. आप फेसबुक वगैरह पे भी लॉग इन लॉग ऑफ करते हैं, उसी तरीके से आप अपना अकाउंट खोलते हैं. यहाँ आप नेटवर्क में किसी भी नेटवर्क पे कनेक्ट होने के लिए लॉग इन और लॉग ऑफ करना पड़ता है. एक आईडी और एक पासवर्ड हर किसी का होता है. न्यू फीचर्स ऑफ विंडोज एक्सपी. विंडो एक्सपी की कुछ न्यू फीचर. सम न्यू एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ विंडो एक्सपी आर फास्टर देन प्रीवियस वर्जन. ये प्रीवियस वर्जन से ज़्यादा फास्ट होता है. द बूस्टिंग टाइम ऑफ अ विंडो एक्सपी कंप्यूटर इज लेस देन द प्रोग्राम एक्सिक्यूट इज ऑल्सो फास्टर. सो बूटिंग टाइम जो है वो कम होता है और ये फास्टर एक्सिक्यूट करता है प्रोग्राम को. बेटर क्वालिटी ग्राफिक आइकन एंड मीनू आर अवेलेबल. इसकी ग्राफिक आइकन और मीनू जो है वो बेटर क्वालिटी के होते हैं. बेटर मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्ले ऑन टास्क बार. टास्क बार में बेटर मैनेजमेंट है डिस्प्ले की. द टास्क बार इज लेस कंजेस्टेड. इसमें कंजेस्टन कम है, हिचकिच नहीं है. सिंस सिमिलर प्रोग्राम लाइक ऑल ओपन माइक्रोसॉफ्ट फाइल आर ग्रुप टुगेदर एंड डिस्प्ले इन अ सिंगल बटन. माइक्रोसॉफ्ट के तमाम जितनी भी फाइल्स हैं वो एक ही बटन के अंदर आपके आ जाती हैं. मोर बिल्ट इन कंप्यूटर मैनेजमेंट टूल फॉर एग्जांपल इवेंट व्यूअर विच गिव कंप्लीट डिटेल ऑफ एरर. इवेंट व्यूअर जो है आपको तमाम गलतियों की पूरी कंप्लीट डिटेल देता है जिसमें बिल्ट इन है. रिसेंटली एंड फ्रीक्वेंटली एक्सेस प्रोग्राम आर शोन इन स्टार्ट मेनू. जब आपने बहुत ज़्यादा चलाए होते हैं, बार बार चलाए होते हैं या अभी अभी चलाए होते हैं, वो तमाम आपके स्टार्ट मेनू में आ रहे होते हैं. डिटेल हेल्प टॉपिक बेटर सर्च फीचर. डिटेल हेल्प टॉपिक होता है टॉपिक के मामले में हेल्प होती है. सर्च फीचर भी अच्छा होता है. विथ चॉइस ऑफ एनिमेटेड एंड नॉन एनिमेटेड ट्यूटोरियल. इसके अंदर ट्यूटोरियल होता है, मतलब कंप्यूटर को करके दिखा रहा होता है कैसे करें क्या करें. द एनिमेटेड टूअर फीचर टैक्स एनिमेटेड म्यूजिक एंड नरेशन. इसके अंदर टैक्स भी होते हैं, एनिमेटेड भी होता है, वॉइस भी होती है और नरेशन भी होते हैं. डिफरेंट टाइप का इसमें आपको समझाया जा रहा था क्या काम किस तरह करना है. ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंस्टॉल प्रोग्राम. आपका जो कंप्यूटर है उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, बहुत तरीके से काम कर रहा होता है. उसके प्रोग्राम भी जो होते हैं वो ख़राब होते हैं, स्टेबल होते हैं, आप उस पर आराम से काम कर सकते हैं. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब इसका वर्क हम स्टार्ट करेंगे जो आपको सेंड किया जाएगा. फिर से वर्क कंप्लीट कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.